उर्वशी रौतेला अपनी क्रिप्टिक पोस्ट की वजह से सोशल मीडिया पर अक्सर ट्रोल होती ही रहती हैं, और अब उनकी माँ मीरा रौतेला भी कुछ ऐसे ही पोस्ट शेयर करके ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आप सब जानते होंगे कि ऋषभ पंत, क्रिकेटर ऋषभ पंत जो है, वो इस वक्त मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी ट्रीटमेंट शुरू है। बता दें कि इसी दौरान उर्वशी रौतेला की माँ मीरा रौतेला ने इंस्टाग्राम पर दो फोटो शेयर की हैं। इन दो फोटोज में पहली फोटो कोकिलाबेन अस्पताल की है, वही अस्पताल जिसमें पंत भर्ती हैं, और दूसरी फोटो में वो एक मंदिर के सामने खड़ी पोज देती हुई नजर आ रही हैं। अब ट्रोलिंग की बात यहां उठती है कि पहली फोटो जो है वो ऋषभ पंत जिस अस्पताल में है उसी अस्पताल की है, और कैप्शन में उन्होंने लिखा है चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा, और उन्होंने उर्वशी रौतेला यानी अपनी बेटी को टैग किया है। ये पोस्ट देखने के बाद लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं कि आखिर मीरा रौतेला कोकिलाबेन अस्पताल में कर क्या रही थी, क्या वो खुद के लिए गई थी या फिर वो ऋषभ पंत को देखने गई थी। ये सवाल सभी के मन में है और इसी को लेकर काफी लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं और उनकी पोस्ट पर काफी ज्यादा कमेंट्स भी आ रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि उर्वशी रौतेला की माँ हर कमेंट का तुरंत रिप्लाई दे रही है और ट्रोलर्स को करारा जवाब भी दे रही है। वैसे बता दें कि ऋषभ पंत जब से भर्ती हुए हैं उसके बाद उर्वशी रौतेला ने भी अपनी स्टोरी पर कोकिलाबेन हॉस्पिटल की एक फोटो डाली थी, जिसके बाद वो भी काफी ट्रोल हुई थी, और उसके बाद अब उनकी मां ने ये फोटो शेयर कर दी। अब इसके बाद फैंस के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या उर्वशी रौतेला की मां खुद के लिए गई थी उस अस्पताल में या फिर ऋषभ पंत को देखने गई थी। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।